नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। चुनावी साल में बीजेपी सरकार सभी वर्गों और तबकों को साधने में लगी है। कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर डीए दिए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर को 5% महंगाई राहत का फायदा जल्द मिल सकता है। सरकार 1-2 दिन में इसके आदेश जारी कर देगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच आपसी सहमति के बाद ही पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाए जाने की व्यवस्था है, इसलिए पेंशनर का डीआर का मामला अटकता रहा है, लेकिन चुनाव से पहले इस पर सहमति बन गई है। बुधवार को छत्तीसगढ़ ने वहां के पेंशनर को 1 जुलाई से 5% महंगाई राहत दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब मध्य प्रदेश का वित्त विभाग 5% महंगाई राहत के आदेश जारी करेगा, जिससे पेंशनर की महंगाई राहत राशि 33% से बढ़कर 38% हो जाएगी। इससे उन्हें न्यूनतम 750 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। चुनावी साल होने की वजह से राज्य सरकारें पेंशनर के बड़े वर्ग को नाराज करना नहीं चाहती। इससे पहले बीजेपी सरकार ने राज्य के 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया था। 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले प्रदेश के कर्मचारियों को चौथे समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। आज कर्मचारियों के हित में, जो हमारे कर्मचारी 35 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं, उन्हें चतुर्थ समयमान का लाभ देने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। ये अवधि 1 जुलाई 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत का कैबिनेट ने तय किया। सरकार की इन घोषणाओं पर विपक्षी कांग्रेस लगातार वार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी साल में बीजेपी सरकार लोगों को लुभाने के लिए ये घोषणा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार को लोगों की फिक्र होती तो ये घोषणाएं बहुत पहले ही की जानी चाहिए थी। ये सब गुमराह करने की, प्रलोभन देने की और अपने पाप धोने की इनकी योजना है। चुनाव आ जाते हैं, इनको संविधान याद आते हैं, इनको बहने याद आती हैं, ये सब बातें इनको तब याद आनी शुरू होती है। चुनावी साल में घोषणाओं की बहार है तो विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम आपसे जुड़ी हुई हर खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे।